उत्तर प्रदेश की वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वेक्षण का काम पूरा हो गया है, तो वहीं अब एएसआई ने रिपोर्ट पेश कर दी है और इस दौरान कानूनी लड़ाई में इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। वाराणसी के ज्ञानवापी और काशी विश्वनाथ मंदिर के बीच स्वामित्व विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष की तरफ से दायर सभी 5 याचिकाएं खारिज कर दी गई। अब इस मामले में वाराणसी की सिविल कोर्ट को इन्हें 6 महीने में पूरा करने का भी आदेश जारी कर दिया गया है। इसके बाद अगली सुनवाई 21 दिसंबर को किए जाने की घोषणा की गई। हाईकोर्ट के जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने सभी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया। मुस्लिम पक्ष की जो याचिकाएं खारिज हुई उनमें 2 याचिकाएं मेरिट से जुड़ी थी जबकि 3 एएसआई सर्वे के खिलाफ थी। हिंदू पक्ष के वकील विजय शंकर रस्तोगी ने कहा कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो याचिकाएं दाखिल की गई थी उन्हें खारिज कर दिया गया। दरअसल 8 दिसंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। बहरहाल अब मुस्लिम पक्ष इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। इसी के साथ वजू खाने के मामले में इस केस को कोई आदेश नहीं दिया गया है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।